ओए, आलिया बता रही थी कि तू कहीं जा रहा है। पर जब मैंने तुझसे पूछा, तूने कहा कि तुझे कहीं नहीं जाना, वो इंडियन खाना नहीं मिलता, दाल चावल नहीं मिलता, पनीर मक्खन वाला नहीं मिलता। कहाँ गई तेरी देशभक्ति? हाँ, अचानक से जाने का प्लान कैसे बन गया? मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ, शहर से, लोगों से दूर। ये अचानक क्या हो गया तुझे? सब कुछ और सब लोग इतने बुरे क्यों लगे? कुछ नहीं यार। यार हर बार तुझसे पूछना पड़ेगा क्या? ये खुद सामने से नहीं बताएगा, बोलना बोलना यार। हुआ क्या? मैं तेरे कहने पर दिशा से मिलने गया था, पर मैंने उससे वही सब कहा जो तुझे कहा था, कि वो मेरी वजह से अकेली है और मुझसे उसका अकेलापन देखा नहीं जाता। आई सेड कि उसे लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए, पर वो तो रितिक से प्यार करती है। नहीं, कम ऑन, रोना बंद कर, ओके? कुछ नहीं होगा। व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं है, तक गया नहीं और ऑलरेडी इसे मेरी याद आने लगी, इमोशनल हो रहा है। इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। यू गाइस शुड पैक, मस्ट बी लेट। नहीं भाई, बात कुछ और है, जो वो ना मुझे बता रहा है ना आपको। बट नेवर माइंड, जब तक उसे खुद नहीं लगेगा कि उसे बताना चाहिए, मैं फोर्स नहीं करूंगी। Have a safe trip, guys. Thanks, bye. Enjoy yourselves. Chale. Yeah. Rachi, Shahana, जल्दी करो। 15 दिन की पैकिंग है, ज्यादा सामान मत रखना। मैं कम ही रख रही हूँ माँ, इस शाहना को बोलो। अरे मासी, इसके बैग से छोटा बैग है मेरा। छोटी, तेरे मेकअप का जो बैग है ना, मेरे कपड़ों के बैग से बड़ा है। मुझे सुनाई दे रहा सब कुछ, झगड़ा बंद करो, पैकिंग करो। ऋषि, आज तुम ऑफिस नहीं गए, छुट्टी है क्या? तुम मेरे ऑफिस में इंटर्न हो ना, यू फायर्ड। अरे हम शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, तो मदद करने के लिए रुकिए। ओ अच्छा, तो हम भी कॉलेज नहीं जाते, छुट्टी ले लेते हैं। चलो पैकिंग करते हैं। चुप कर, चुपचाप पैकिंग खत्म कर और कॉलेज जा। रोज के बहाने मेरे सामने चलेंगे नहीं यार तुझे। सॉरी, कितनी जोर से लगा है, लेकिन एक बार लगना अशुभ होता है, इसलिए दूसरी बार टकराना पड़ेगा से। मगर प्यार से एक बार टकराना अच्छा नहीं होता, दोबारा टकराना पड़ेगा। मुस्कुरा क्या रही है? पैकिंग खत्म हो गई? नहीं, बाकी है। मैं खत्म करती हूँ, तब तक आप टेम्पो वाले को बुला लीजिए। अरे बुलाना क्या है, इधर नुक्कड़ में तो खड़ा रहता है, जाके ले आती हूँ उसको। तुम लोग सामान समेटो ध्यान से। मैं बुक्स पैक करती हूँ और मैं मेरे मेकअप का सामान। हेलो, या हेलो, आई एम स्पीकिंग टू ऋषि। यस हाय, दिस विक्रम कोहली है। और मिस्टर मेहरा ने मुझे कहा है तुम्हें इत्तला कर दूं कि तुम्हें जॉब पे वापस रख लिया गया है, तो बिना कुछ क्वेश्चन किए तुम जॉब रिज्यूम कर दो। ओके सर, थैंक यू सर। सर मैं ऑफिस आ जाऊंगा, लेकिन थोड़ा लेट हो जाऊंगा, वो एक्चुअली शिफ्टिंग कर रहे ना, तो शिफ्ट होते ही मैं सर ऑफिस आ जाऊंगा। सॉरी। ओके नो प्रॉब्लम, जैसे ही तुम नए घर पे शिफ्ट हो जाओ, एचआर को नया एड्रेस बता देना। ओके सर, थैंक यू सर। क्या हुआ? बॉस का फोन था, उन्होंने मुझे वापस जॉब पे बुला लिया। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। और तुम, अरे क्या क्या कर रहे हो? नानी, आपको अपनी बेटी बिल्कुल सही बोलती है, मेरी माँ के बाद सिर्फ आप हो जो मुझे समझते हो, और आपने शाहना के सामने मेरी बात संभाल ली, उसको पता नहीं चलने दिया कि मुझे ऑफिस से निकाल दिया गया।
अगर यहाँ पे सबको पता चल जाता तो मैं क्या जवाब देता कि मुझे ऑफिस से इसलिए निकाला, मैंने एक लड़की के साथ, आपने मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। थैंक यू। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम फैमिली हो और फैमिली के लोग थैंक यू नहीं कहा करते। फैमिली का तो काम यही होता है कि एक दूसरे के बुरे वक्त में काम आए। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी पैकिंग खत्म करो वरना तुम्हारी नानी आके मुझे डांटेगी। ये अट्रैक्शन, इन्फैशन, ये सब दो चार दिन का खेल होता है यार। ऐसा कर, तेरी कैबिन में चल के बात करते हैं, यहाँ पे घुटने में थोड़ा। ये मुझे लाइफ और यूथ के बारे में ज्ञान दे कौन रहा है? बुढ़ाओ कहेगा। अबे बुढ़ाओ क्या बे? ये घुटने में दर्द ना बूढ़े लोगों का होता है। अपनी शक्ल देखी तूने मिरर में? वो हिंदी फिल्म का टिपिकल बाप दिखता है तू। बेटा उससे दूर रहो, ऐसा मत करो, काम पे ध्यान दो वरना तुम मुगले आजम से शहंशाह बन जाओगे। वही शहंशाह ना जिसने एक लड़की को दीवार में चुनवा दिया था क्योंकि वो मोहब्बत का दुश्मन था जैसे तू है। देख मैंने देखा जिस तरह वो प्रियंका से बात कर रहा था, इट वाज नाइस। क्या इट्स नॉट नाइस? अभी वो बच्चा है यार, टाइम के साथ मैच्योर हो जाएगा। और तूने अपनी जवानी में क्या कम गुल खिलाया? पक्को बताया तेरी मदबाश है क्या क्या किया है तूने? और प्यार में ऐसा नहीं करना चाहिए, उससे दूर रहो। ये सब क्या है यार, ऐसा हो जाता है प्यार में, ऐसा ही होता है प्यार में। तो इंसान जो है ना वो बच्चा बन जाता है, उसे ना होश होता है ना कुछ, कभी एकदम मजे से हो जाता है, कभी बेपरवाह हो जाता है, खट्टी मिट्टी कड़वी दस तरह की हरकतें करता है। क्या कर रही हो? कपड़े संभाल रही हूँ। मिस कर रहा हूँ ना? आप तो हमेशा ही मिस करते रहते। अरे अरे क्या क्या कर रहे? मैं नहीं, मेरा एक गिटार कुछ ज्यादा ही मिस कर रहा है। मैं इसमें हैप्पी नोट बजा रहा हूँ और इसमें सैड नोट बज रहा है। सुना ये आपका बचपना बंद कीजिए, नीचे डिनर रेडी है, मैं सबको बुला के। सुपर आइडिया, सुपर 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 आइडिया। अभी इससे नो बचपना, ये कीड़ी बातें बंद करते, अभी से सिर्फ अडल्ट बातें करेंगे। अरे सुनो तो सही, जब तू अडल्ट बात करते तो उससे अडल्ट बातें कर रहे। सो लेट्स टॉक अडल्ट। मुझे सब पता है आपको क्या बातें करनी, मैं जा। अरे कहाँ जाओगी? तब जाओगी ना जब जाने दूंगा। क्या कर रहे हैं आप? एक सेकंड रुको, वो देखो उड़ता हुआ करेला। वाह 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 वाह। अभी डिनर तैयार है। दासी? दासी नहीं, रानी बना के। रानी दासी? दासी दासी, हाय दासी दासी। अरे दासी दासी दासी, देखो ना आपके भोले वाले पोते को कैसे बिगाड़ रही है। क्या कह रही है? अरे कह रही नहीं है दासी, ये कह रही है कि इसके पेट में दर्द है। कह रही थी कि शायद मेरे पेट में कीड़े पड़ गए हैं, आप जरा चेक करना। मैंने बोला अरे पेट में अगर कीड़े पड़ गए उसे चेक करने में कैसी बेशर्मी, कीड़े तो नेचुरल प्रोसेस है ना। तो मैंने चेक किया, उसके बाद मुझे पता चला कि पेट में कीड़े पड़ने की वजह से दर्द नहीं हो रहा है, दर्द तो बातों की वजह से हो रहा है ना। बातें? हाँ वो कहना लेडीज लोगों की आदत है, बातें पचती नहीं है पेट में, तो इसी तरह इसने बहुत सारी बातों को दबा के रखा है और गैस की वजह से वो दर्द होने लगा है, बायोगैस। तू चुप कर। अरे पेट में दर्द हो रहा होगा कीड़ों की वजह से, इसका इलाज है मेरे पास। दिशा? हाँ दादी। अरे दिशा अपने गार्डन में नीम का पेड़ है ना, उसकी कोमल कोमल पत्तियां तोड़ कर लिया और करेले के साथ मिक्स करके जूस बना कर लिया। अरे इस बीमारी का रामबाण इलाज है। कौन सी बीमारी? तेरे पेट में दर्द है ना, कीड़े हो गए हैं, पीते ही सब मर जाएंगे। ये लो दादी आपका नीम करेले का जूस, आज किसे पिला के मार रही हो? दे प्रज्ञा पी ले बेटा, सब कीड़े मर जाएंगे। ये प्रज्ञा दी पियेंगी? क्यों? इसके पेट में दर्द है ना, कीड़े हो गए हैं। एक सेकंड, मैं देता हूँ। क्या? इसकी स्मेल इतनी कड़वी, टेस्ट कितना कड़वा होगा? अरे नीम की कोमल पत्तियां है ना ताजी ताजी, तो ज्यादा कड़वा तो होगा ही, पिएगी ना सब कीड़े मर जाएंगे इसके। ऑल द बेस्ट, सॉरी। पी ले बेटा, शाबाश। हाँ, पी ले। मर गए मर गए मर गए, कीड़े सारे मर गए। देखो ये कीड़ों के मरने की आवाज खासी बन के बाहर आ रही है। अरे तू तो चुप कर, पीने जा उसे। दासी ये मैं। अरे 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 ये क्या किया तूने? उसको कैसे पीने दिया? अरे दादी करने दो जो करना है,
हम कल चले जाएंगे डॉक्टर के पास, है ना? आप आओ मेरे साथ। अरे उसे पीने दिया होता, पेट में दर्द है ना उसके? तो ठीक है ना, ये डॉक्टर पेशेंट को संभाल लेगा, आपको मैं संभालती हूँ। कहाँ कहाँ है कीड़े? आपने मेरे लिए जूस पी लिया, इधर देखिए। तुम्हारे लिए जहर भी पीना होता ना तो पी लेता। कमाल है यार, मतलब अपनी बीवी से इतना प्यार करता है कि उसको कड़वे जूस से बचाने के लिए खुद पी गया। अरे इससे अच्छा बता देता स्वर्णी दादी को कि प्रज्ञा इज ऑल फाइन, उसे कुछ नहीं हुआ है। पागल हो गए क्या? फिर वो लोग प्रज्ञा को अपने साथ ले जाते हैं। कभी कभी मुझे डाउट होता है कि प्रज्ञा की शादी मुझसे करवाई थी या पूरे घर से। शादी करवाई मतलब? तेरी तो लव मैरिज थी ना। मतलब तुझे नहीं पता? नहीं। इसका मतलब मैंने कभी तुझे बताया नहीं? कुछ नहीं बताया। अरे यार, मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी, लेकिन कुछ महीनों बाद सिर्फ लव था, बाकी शादी बांधी तो नहीं थी। हैप्पी लव। अरे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। अरे पिद्दी सी लड़की से घबरा रही है तू? अरे मैंने भी उसको बोल दिया कि ऋषि और सहाना का ना रोका हो चुका है, इसलिए तू दोबारा इधर दिखना मत, चली गई चुपचाप, टेंशन मत ले तू। ऋषि सहाना, आप ये क्या कर दिया आपने? बेवकूफ नहीं है सरिता जी, वो उसका दिमाग खराब है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इलाज की। वो ऋषि को लेके वैसे ही ऑब्सेस्ड है, ऊपर से आपने कह दिया कि शाहना के साथ। मैं प्रज्ञा, टैक्सी क्यों नहीं दिख रही है? आई गाड़ी यहीं पे ही रोकियो, वेटिंग पे आ जा बे। क्या यार, वो लक्ष्मी माता ने तो बोला था कि घर से बाहर नहीं निकलना, वो बताएगी कि भाभी कहाँ मिलेगी। लक्ष्मी माता? ओ तेरी लक्ष्मी माता। रिया, वो ये तेरी लक्ष्मी माता? एक बात बता जरा ईमानदारी से, आज तक हमने अपनी बाप की सुनी नहीं? अबे जब आज तक हमने अपने बाप की नहीं सुनी तो उस लक्ष्मी माता की कैसे सुन लेंगे हम लोग। और एक बात अच्छे से गांठ बांध ले, रोज सुबह कॉलेज शुरू होने से पहले और कॉलेज खत्म होने के बाद हमें यहाँ आना है, और तब तक आना है जब तक हमें हमारी मोहब्बत के दर्शन नहीं हो जाते, यानी कि तुझे तेरी भाभी के, समझा? ओ भाई हो गए दर्शन। किसके? वो देख 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 देख। क्या भाई, दिल्ली आके ना आपकी आदतें खराब हो गई हैं। क्या? अबे बावला हो गया क्या? उधर देख। हैं? दिख गए तुझे तेरी भाभी? ये तो भाभी है। हाँ? भाभी? रुक जा, ठहर जा, बावला और आका कहाँ घुसा जा रहा, भूल गया क्या? हम लोग वहाँ अगर जाएंगे तो गुस्सा हो जाएगी, पिछली बार का प्यार भरा थप्पड़ याद है मुझे।
लेकिन इस बार प्यार से मनाऊंगा, उसके दिल में अपनी जगह बनाऊंगा। और भाई शादी इसी से करूंगा, लव मैरिज। इस बार ना हीरो बन के दिल जीतना इसका, समझा? तुझे पता है हीरो क्या करते हैं? हीरोगिरी, गांधीगिरी, उसकी हेल्प करनी है, हेल्प, समझा? और मैं बताता हूँ कि गांधीगिरी कैसे करते हैं। अजा 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 अजा, हाँ भाई ड्राइवर देवता, उधर देखो वो लड़की दिखाई दे रही है खूबसूरत सी नीले कपड़े में। हाँ भाई उधर जाना है, उनको अपनी गाड़ी में बैठाना है, उनको उनके घर तक छोड़ना है, वो तुम्हें पैसे देंगी, वो पैसे भी ले लेने हैं, और उसके बाद आके हमसे हमसे 500 रुपए और लेने हैं, है कि नहीं? कितनी कमाल की बात है, पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि आपको भाई साहब हमें उनका एड्रेस बताना है। ऐसे काम हम नहीं करते। क्या बात करते हो, नहीं करते हो? एक मिनट, हाँ अभी भी नहीं करते हो? करते हैं ना, करते हैं ना, अरे बहुत आगे जाएगा। पकड़ो। ना 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 ना, पहले जाओ उनको उनके घर पहुंचाओ, फिर इधर आओ और माल पाओ। अब भी पागल हो और हमेशा पागल रहोगी। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि बेटा, ऋषि तेरे साथ में कितने अच्छे लगते, जितना पास में आएंगे उतने ही और अच्छे लगेंगे। मैं बोला ना मुझसे दूर रहो। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि, ऋषि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि, ऋषि, ऋषि मेरी बात सुनो। ऋषि, 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 इसे क्या हुआ? What's going on here, man? ऋषि, ऋषि रुको, ऋषि रुको, ऋषि तुम ऐसे नहीं कर सकते, रुको ऋषि, ऋषि। प्रियंका, किसने किया ये? हाँ बताओ मुझे, किसने किया ये? प्रियंका, कटोरिया है डाइनिंग टेबल पे, वो ले आना मधु। कटोरी डाइनिंग टेबल, कटोरिया, हाँ कटोरिया। कटोरिया वहां रख के आओ, ओके? क्या हो गया, क्या देख रही हो मधु? दीदी मैं ये देख रही हूँ आप कितनी सुंदर हो। आपको पता है आपके जैसे सुंदर दिखने के लिए ना मैंने घर जाके नानी के नुस्खे भी आजमाए और वो अंग्रेजी क्रीम भी लगाई, लेकिन फिर भी मैं आपके जैसे सुंदर। तुम तो कितनी सुंदर हो,
इतनी अच्छी स्किन है तुम्हारी, तुम हीरोइन से कम थोड़ी हो। सच्ची दीदी? अरे मुर्ची, देखो दरवाजे पे कौन। आप कौन? अरे ऋषि होगा, आने दो उसे। ऋषि, ऋषि क्या हुआ ये सब? मैं तो पानी लेकर आऊं ना। अब बताओ क्या हुआ? मैं सोने जा रहा हूँ, थक गया हूँ। एक मिनट रुक जाओ, पानी पी के चले जाओ प्लीज। मैं आपका रूम यूज कर सकता हूँ आज? मैं कल शिफ्ट कर लूंगा, मुझे अकेला रहना। वेयर इज इंस्पेक्टर अजय? कोई मुझे बताएगा कि वो है कहाँ? मैं आ गया हूँ आराम से। वो लड़का कहाँ है? आप पहले शांत। ऋषि को अभी तक किसी ने अरेस्ट क्यों नहीं किया? इंस्पेक्टर नीरज गया है अरेस्ट करने। हजार बार सुन चुका हूँ मैं, वो 8 बजे का निकला हुआ है। ऋषि का घर 15-20 मिनट दूर है, 8:20 तक उसे पहुंचाना चाहिए था ना। 10 मिनट लगते हैं अरेस्ट करने में, 20 मिनट वापस पहुंचने में, ट्रैफिक के 10 मिनट और जोड़ लो, 9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए था। 9:15 बजे अभी तक आया क्यों नहीं वो? आप शांत हो जाइए। शांत हो जाइए मतलब? आप बैठिए, आप बैठिए, पहले शांत हो जाइए, बैठिए। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के लोग अरेस्ट नहीं होने देते, मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में सब देखना पड़ता है। तो आप एक्स्ट्रा टास्क फोर्स भेज दीजिए ना। अरे वो लड़का कोई टेररिस्ट है जो उसके लिए एक्स्ट्रा फोर्स भेजूं? तो एक्स्ट्रा फोर्स के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। इसकी परमिशन चाहिए मुझे बताइए, मैं फोन करके परमिशन ले आऊं? ऐसे लोग टेररिस्ट से भी बुरे होते हैं, हार्मफुल फॉर द सोसाइटी, ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए। आप मेरे साथ चलिए, उसे अरेस्ट कीजिए। कम रुकिए रुकिए रुकिए, मैं नीरज को फोन कर लेता हूँ, उससे पूछता हूँ क्या स्टेटस है वहाँ का। एक मिनट। हेलो, हाँ नीरज, क्या स्टेटस है वहाँ का? ओके, बट वो लड़के को अरेस्ट कर लिया ना? हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ। ओके, नीरज से बात हो गई है, उसने बताया कि उसके घर में कोई लेडी थी, शायद उसकी कोई रिश्तेदार होगी, उसने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, बट लड़के को अरेस्ट कर लिया गया है, 10 मिनट में पहुँच जाएंगे, यू जस्ट डोंट वरी। मैंने कुछ नहीं किया। सर आप कहाँ ले जा रहे हैं इसे? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन का चार्ज लगा इस पे। ऋषि ऐसा लड़का नहीं है, उसके साथ जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। लड़की के चाचा बड़े आदमी, खुद पुलिस थाने आए FIR लिखवाने, बहुत गुस्से में वो। हेलो सरिता जी, थोड़ी देर में इधर से निकलते हैं। वो क्या है ना कि तेरी दोनों की दोनों लाडलियां इतनी भुलक्कड़ हैं कि कुछ ना कुछ छूट जाता है उनका, और दिन से उन्होंने कुछ खाया भी नहीं है, इसलिए उनको खिला के निकलती हूँ। हाँ अच्छा सुन, मैं तेरी लाडलियों का ख्याल रख रही हूँ, उनको खिला रही हूँ, तो तू मेरे नाती को अच्छे से ख्याल रखना। हाँ उसे बड़े प्यार से खाना खिलाना, जब मुझे मिले ना तो उसके मुँह से तेरी तारीफ निकलनी चाहिए, इतनी तारीफ निकले कि मैं जल जाऊँ। हाँ मैं ख्याल रखूंगी। सरिता जी, वो डाइनिंग टेबल पे ना एक पेपर में मैंने प्रियंका के चाचा जी का नंबर लिखा था, आप देखेंगे जरा? देखती हूँ, होल्ड करो। अरे ऊपर तो किधर नहीं रखा है? आप देखिए ना, वही आसपास कहीं होगा। अरे इधर तो कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। लेकिन तेरे को उसका नंबर चाहिए क्यों? नहीं ऐसे ही, मैंने सोचा था कि फोन पे सेव करूंगी, फिर भूल गई, कभी भी जरूरत पड़ सकती है ना, इसलिए। अब नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मिल के बात करते हैं फिर। ओके। नंबर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं पुलिस स्टेशन जाकर उनसे बात करूंगी, मिलूंगी और बताऊंगी कि उनकी भतीजी कैसी है, बताऊंगी कि उसका इलाज करवाने की जरूरत है,
ऋषि बोल रहा है कि कुछ नहीं किया उसने, तो उसने कुछ नहीं किया होगा, वो झूठ नहीं बोलेगा। हाँ इंस्पेक्टर, मैं वही हूँ जिसके साथ ऋषि ने एक लड़की की डिग्निटी, उसकी मोडेस्टी, उसकी इज्जत सब कुछ बर्बाद कर दी इसने। मेरा सब कुछ खत्म कर दिया इसने, मेरा लाइफ, मेरा करियर, सब कुछ। इसने मेरे साथ जबरदस्ती, इससे अच्छा मुझे मार देता। तो दादी कहती है कि अकेले खुश होने से खुशी कम हो जाती है, तो अगर तुम मुझे बताना चाहती हो तो तुम्हारी खुशी भी बढ़ सकती है, तो यू कैन शेयर। बताओ क्या हुआ? माय गॉड, तुम्हारे चीक बोन पे क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? सच बताओ? Of course. तुम यकीन नहीं करोगी, तुम किसी को बताओगी नहीं, पहले ये बताओ। मैं नहीं बताऊंगी किसी को, बट हुआ क्या? तुम्हारे अलावा ना शख्स को भी ये बात पता, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया कि वो किसी को नहीं बताएंगे, और तुम भी प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगी। प्रॉमिस, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। What's up, bro? वो सब ब्रो के बच्चे, तुम हमेशा रात को ही क्यों आता है यार? हर दिन रात को कुछ चाहिए तेरे को? क्योंकि मेरे को नींद नहीं आती। देखो नींद नहीं आती है, पर मुझे बहुत नींद आती है। I'm so sorry. तू फोन पे बैठा हुआ है, तुझे बहुत नींद आती है। चलना यार कुछ बात बात करते हैं यार, बोर हो रहा हूँ मैं। तुझे नींद नहीं आ रही है? नहीं, मुझे नींद आ रही है बहुत ज्यादा, और इस बात पे मेरे को एक शेर आ रहा है दिमाग में। वाह वाह, शेर तो बोलने दे। वाह वाह, चलना बोल दे। तो अर्ज किया है, इरशाद कौन बोलेगा? इरशाद। तो अर्ज किया है, कहते हैं इश्क में नींद उड़ जाती है। वाह वाह, कोई हमसे भी मोहब्बत करने कम वक्त, हमें नींद बहुत आती है। नींद बहुत आती है, बड़ा अच्छा शेर। नाइस ना, लेकिन ये सिचुएशनल शेर हो गया। तो क्या करता है तेरा भाई, और खरा क्या मिल रही? सिचुएशन पे गेम खेलो यार, हमेशा सिचुएशन के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे वो दिन हुआ कॉलेज में, प्राची अपना टैक्सी पकड़ के जा रही थी, लेकिन तूने उसे रोका, कॉइन फ्लिप की और उसे चूज करने को कहा, और उसने किया भी। तो भाई मेरे को ये बता कि चल क्या रहा है? I mean, what was that? बहुत सिंपल था, देख मैंने उसको पागल बना दिया था। देख, हम उसको लिफ्ट दे रहे थे ना अच्छी खासी, दे रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे, बट वो भाव खा रही थी यार। She was wasting her time. Time waste कर रही थी, भाव खा रही थी। देख मैं समझाता हूँ तेरे को, किसको कंफर्टेबल राइड नहीं चाहिए होती घर पे? सबको चाहिए होती है, कोई दिक्कत नहीं थी। हमने उसको ऑफर भी करी, बट शी वाज शोइंग टैंट्रम्स दिखाने लगी हमें, भाव खा रही थी, टाइम वेस्ट कर रही थी। तेरे भाई के दिमाग में एक आइडिया, मैंने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, तो मैं कॉइन लेके गया, मैंने उसको बोला हेड और टेल। मैंने उसको प्रॉमिस तो नहीं किया था ना कि हेड आएगा तो वो जीत जाएगी, ना वो टेल, ना उसको टेल में प्रॉमिस किया था कि वो कैब में जाना पड़ेगा। मैंने उसको बोला कि वो हार गई और उसे गाड़ी में आना पड़ेगा, तो उसे मानना पड़ा। सिंपल, दोनों साइड में जीत तेरे भाई। वाह भाई, क्या दिमाग चलाया, क्या पागल बनाया इसको। अब तेरा अगर हो गया हो तो भाई साहब मैं अपना थोड़ा प्राइवेट टाइम एंजॉय कर लूं। क्या ये भाई, मैं यहाँ पे हूँ, ये सब नहीं होने वाला है, तो ये सब छोड़, मेरे को बता ये ऋषि कौन है? तू आज फुल मूड से आया ना, है ना, पूरी लंबी बातें करने के लिए मेरे साथ, पूरी रात जगाएगा मेरे को। तो ऋषि, ऋषि यार बहुत बोरिंग आदमी है, बहुत ही बेकार किस्म का इंसान है, इंटर्न है, और ना तू नाम देख यार, नाम ऋषि, ऋषि नाम है, किसी जंगल में जाके तपस्या करनी चाहिए, वो ऑफिस में कर रहा है। एग्जैक्टली राइट, ये वही तो लड़का नहीं है जो अभी प्रियंका के साथ इंटर्न आया तेरी ऑफिस में? हाँ वही यार, वो अंकल जैसा दिखता है। अच्छा सुन, एक काम कर, चल हम लोग वॉक लेके चलना है। अच्छा फोन तो, ओ माय गॉड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आर यू सेल्फ ऑब्सेस्ड? आर यू फ्रीक? व्हाट, कितनी बार अपने आप को शीशे में देखेगी? गेट डन विद इट। अच्छा लग रहा है, कोई बुरा नहीं लग रहा है, और किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इडिया, मैं भी यही चाहती हूँ कि किसी को पता ना चले कि मैं गिर गई थी। यू बेट। अच्छा लिसन, वेल डू यू वांट टू हैव सम फन? हाँ, बट मैं बाहर नहीं जा सकती। आई नो, तुम्हारी दादी आई हुई है और तुम बाहर नहीं जा सकती। तुम्हें सिर्फ चेयर से उठ के ऊपर जाना है, वहां पे डिम्पी और शाइना भी वेट कर रहे हैं। पर हो रही है पजामा,
पार्टी? सीक्रेट पजामा पार्टी? सीक्रेट पजामा पार्टी, यहाँ पे सिर्फ मेरे फ्रेंड्स और मैं। मैंने सोचा तुम्हें भी बुला लेती हूँ, तो तुम्हें आना है? हम ड्रिंक कर रहे हैं। हाँ, किसी को पता चल गया तो? किसी को नहीं पता चलेगा, पजामा पार्टी। यहाँ पे क्या होता है, क्यों होता है और कब होता है, किसी को कुछ नहीं पता चलता। ऐसे करोगे पार्टी? ऐसे नहीं तो कैसे करोगे पार्टी? पजामा पार्टी है, बियर शेयर पीना है, छुपके से करनी है। ऐसे बैठो कि कोई अचानक से आ भी जाए तो बियर छुपा सको। बट छुपाएंगे कहाँ? चल, क्या नहीं छुपा सकते तो खुद छुप जाओ या फिर काउच के पीछे जाके बैठ जाओ, और एल्स काउच पे बैठ के हाथ पीछे रख लो, या फिर सबसे बेस्ट कैन में से सोडा निकाल कर बियर भर दो, तो अगर कोई अचानक से आ भी गया तो उसे लगेगा कि हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। स्मार्ट, स्ट्रीट स्मार्ट, बट कैन से सोडा निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम पीछे बैठते हैं और अगर कोई आएगा तो उसे हमारे हाथ नहीं देखेंगे, सिर्फ हमारा सर देखेगा अगर दिखा तो। सो लेट्स जस्ट एंड यू टेक दिस, आई टेक दिस एंड लेट्स स्टार्ट। नाइस आइडिया। या प्रियंका, तुम्हारी आइडियाज तो बिल्कुल ही एकदम साइको जैसे। आई नो, रणवीर, लड़कियों की देख ले, वो इस टाइम पे टेरेस से यहाँ आए तो वहां पे कौन है?